अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन। आज मैं रिव्यू करूंगा निसान नोट ई पावर का। निसान नोट की ये सेकंड जनरेशन है और पहले तो मैं इस बात को क्लियर करता हूँ कि इस गाड़ी को ई पावर क्यों कहते हैं। ये जो गाड़ी है ये हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड गाड़ी में क्या होता है कि आपकी एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है और एक इंजन होता है और ये दोनों कंबाइन होकर गाड़ी कभी इलेक्ट्रिक पावर पर और कभी इंजन पर ये कंबाइन होकर दोनों गाड़ी चला रहे होते हैं। लेकिन जो ई पावर टेक्नोलॉजी है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। इसमें यह होता है कि इसका जो इंजन है वो सिर्फ इस गाड़ी की जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि इस गाड़ी का जो इंजन है उसका गाड़ी को चलाने में कोई किरदार नहीं होता। इसका सिर्फ काम ये है कि इसका जो इंजन है वो सिर्फ इसकी बैटरी को चार्ज करेगा और टोटली ये गाड़ी कम्प्लीटली ये गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटर पर ही चलती है, इंजन पर नहीं है चलती गाड़ी। गाड़ी में वैसे 1200cc का इंजन है जो कि एज अ जनरेटर वर्क करता है। फ्रंट से अगर देखें तो गाड़ी की जो फ्रंट लुक है वो काफ़ी मॉडर्न है। अगर हम हेडलैम्प्स की बात करें तो इसमें लो बीम के लिए प्रोजेक्टर लैम्प्स जबकि हाई बीम के लिए क्रिस्टल लाइट्स हैं जिसमें हैलोजन बल्ब का यूज़ किया गया है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल है। हेडलाइट्स के ऊपर वाली साइड पर क्रोम का यूज़ किया गया है जो कि फ्रंट ग्रिल से होता हुआ दूसरी हेडलाइट तक कंटिन्यू करता है। हनीकॉन पैटर्न में इसकी फ्रंट ग्रिल है जो कि ब्लैक प्लास्टिक में है और दरमियान में निसान का लोगो है, लेकिन फ्रंट व्यू कैमरा इसमें प्री इंस्टॉल्ड नहीं आता। फ्रंट बम्पर में पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं लेकिन फॉग लाइट इसके फ्रंट बम्पर में प्री इंस्टॉल्ड नहीं आती। अगर हम इसकी की बात करें तो इसमें लॉक का बटन है, अनलॉक का बटन है और ऊपर वाली साइड पर निसान का लोगो है। ओवरऑल इसकी फ्रंट लुक काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी मॉडर्न है। साइड लुक भी इसकी काफ़ी डिसेंट है। अगर हम इसके टायर साइज़ की बात करें तो 185x65 इसका रिकॉर्ड टायर साइज़ है जो कि 15 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ है। फ्रंट पर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक है जबकि रियर पर ड्रम ब्रेक है। इसके अलावा गाड़ी में एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम है और गाड़ी की फ्रंट सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो वो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है। साइड व्यू मिरर्स की तरफ आएँ तो ये बॉडी कलर में है, ऊपर LED टर्न सिग्नल है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है प्लस ये ऑटो रिट्रैक्टेबल है। और क्योंकि ये एक्स एमरजेंसी ब्रेक पैकेज है जो कि बेस वेरिएंट है तो इसमें 360 व्यू के लिए इसके साइड व्यू मिरर्स के नीचे कैमरा नहीं दिया गया। इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें 360 व्यू कैमरा सेटअप मौजूद है और नीचे इसके ई पावर का बैज है। गाड़ी के डोर हैंडल्स क्रोम में है जिसके ऊपर स्मार्ट कीलेस एंट्री सिस्टम मौजूद है। गाड़ी के फ्रंट पे डिस्क जबकि रियर पे ड्रम ब्रेक का यूज़ किया गया है। इसके अलावा 35 लीटर इस गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। गाड़ी की फ्रंट विंडो को छोड़कर बाकी तमाम विंडोज़ प्राइवेसी ग्लास के साथ हैं। बैक लुक भी काफ़ी डिसेंट है। रूफ पर आपको एंटीना दिया गया है जो कि ब्लैक कलर में है। इसके अलावा वॉशर है। गाड़ी की जो रियर स्क्रीन है वो डिफोगर के ऑप्शन के साथ है और इसके ऊपर वाइपर भी दिया गया है। टेल लैंप्स की अगर बात करें तो इसमें ब्रेक लाइट LED में है जबकि टर्न सिग्नल और रिवर्स लाइट के लिए हैलोजन बल्ब का यूज़ किया गया है। इसके अलावा नोट का बैज है, दरमियान में निसान का लोगो है, स्मार्ट एंट्री सिस्टम है, इसके अलावा रियर व्यू कैमरा है और दूसरी साइड पर ई पावर का बैज है। गाड़ी के रियर बम्पर पर पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं। इसके अलावा रियर बम्पर पर रिफ्लेक्टर्स भी है, डिफ्यूज़र बम्पर है इसका। बूट स्पेस की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी में बूट स्पेस है। गाड़ी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस है और इस गाड़ी में स्पेयर व्हील नहीं है। इसके नीचे ये बैटरी का सेटअप है और साथ जैको टूल किट है। गाड़ी की बूट में लाइट है। इसके अलावा इसकी जो रियर सीट्स हैं ये 60-40 रिक्लाइनिंग सीट्स हैं। आप इस तरीके से इनको फोल्ड करके ट्रंक की स्पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इंटीरियर की अगर बात करें तो सबसे पहले ड्राइवर डोर से स्टार्ट करते हैं। डोर ओपनर इसका क्रोम में है जो कि काफ़ी स्टाइलिश है। गाड़ी की तमाम विंडोज़ पावर्ड है बट सिर्फ ड्राइवर विंडो ऑटोमेटिक के ऑप्शन के साथ है। इसके अलावा विंडोज़ लॉक करने के लिए बटन है और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है। गाड़ी का जो आर्मरेस्ट है वो प्लास्टिक में है, लेदर में नहीं है, ये प्लास्टिक में है और नीचे इसके स्टोरेज कंपार्टमेंट है, साथ इसके स्पीकर है। सीट्स की अगर बात करें तो ये काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं जो कि फैब्रिक में डिज़ाइन की गई हैं लेकिन काफ़ी अच्छा मटेरियल इनके लिए यूज़ किया गया है। इसके अलावा ये दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ हैं। ये जो सीट्स हैं ये मैन्युअली एडजस्टेबल हैं, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट के ऑप्शन के साथ है। गाड़ी में पुश स्टार्ट की ऑप्शन है और जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको वेलकम करेगी। गाड़ी का डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील की शेप है वो बहुत स्पोर्टी है। नॉर्मली ये सर्कुलर शेप में आता है लेकिन इस गाड़ी में डी कट स्टीयरिंग व्हील है जो कि सर्कुलर नहीं है। स्टीयरिंग में वन वे टिल्ट एडजस्टमेंट है और क्योंकि ये इस गाड़ी का बेस वेरिएंट है तो इस पर स्टीयरिंग के ऊपर कोई कंट्रोल्स वगैरह नहीं है। इसका जो मेन ऑप्शन जो कि इस गाड़ी में मिसिंग है वो है क्रूज कंट्रोल जो कि होना चाहिए था पर है नहीं। स्टीयरिंग के ऊपर क्रोम फिनिश में निसान का लोगो है। इसके अलावा नीचे ये सिल्वर लाइनिंग है जो कि गाड़ी को प्रीमियम लुक दे रही है। गाड़ी में टोटल दो एयरबैग्स हैं, एक स्टीयरिंग पे है और दूसरा पैसेंजर साइड पर है।
स्टेयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड पे वाइपर कंट्रोल स्विच है, जबकि राइट साइड पे हेडलाइट्स कंट्रोल स्विच है। मीटर की अगर बात करें तो एनालॉग फॉर्म में इसका स्पीडोमीटर है 180, इस गाड़ी की टॉप स्पीड लिमिट की गई है। दरमियान में एक एमएडी डिस्प्ले है जिसमें आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम और डिफरेंट गाड़ी की जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होती है, गाड़ी की माइलेज वगैरह। और इसके दोनों साइडों पे एमएडी डिस्प्ले है जिसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर है, मूड्स वगैरह शो हो रहे हैं। राइट साइड पे अगर देखें तो एक बैटरी की चार्जिंग शो हो रही है। इसके अलावा डिजिटल फ्यूल गेज है और गाड़ी के रिलेटेड मजीद जरूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होगी। स्टेयरिंग के राइट साइड पे एक सर्कुलर शेप में एयर वेंट है और नीचे इसके एमआईडी को कंट्रोल करने के लिए बटन्स हैं, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको चेंज मोड को चेंज वगैरह कर सकते हैं। इस पोर्शन पर अगर ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एंटी कोलिजन सिस्टम, साइड व्यू मिरर की एडजस्टमेंट है, रडार का बटन है, इसके अलावा पार्किंग सेंसर्स को ऑन और ऑफ करने के लिए बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ बटन है, हेडलाइट एडजस्टर है, इसके अलावा लेन असिस्ट का बटन है। सेंटर कंसोल में अगर देखें तो ये जो सारा एरिया है ये ग्लासी ब्लैक है जो कि प्रीमियम फील दे रहा है। दो एयर वेंट्स हैं, दरमियान में हैजर्ड लाइट स्विच है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए गाड़ी में डिस्प्ले दिया गया है जिसमें ब्लूटूथ ऑडियो और काफ़ी चीज़ें हैं। गाड़ी में सिंगल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, इसके अलावा फ्रंट और रियर डिफोगर का बटन है, नीचे इसके स्टोरेज कंपार्टमेंट है, इसके अलावा 12 वाट का पावर आउटलेट है, दो कप होल्डर्स हैं। गाड़ी की अगर गियर नॉब देखें तो वो अनकन्वेंशनल स्टाइल में है, ये जिस तरह वेजर वगैरह में आती है अप्रॉक्सीमेटली ये उसी तरह की है। और अगर हम इसको रिवर्स पर करते हैं तो गाड़ी में रिवर्स कैमरा भी मौजूद है। इसके अलावा ये ड्राइव मोड सिलेक्टर है, गाड़ी में टोटल तीन मोड्स हैं, आप देखें एक स्पोर्ट्स मोड है, इको मोड है और एक नॉर्मल मोड है। मैनुअल पार्किंग ब्रेक है, कॉइन होल्डर है, ड्यूल ग्लव बॉक्स है, एक ऊपर है और एक ये नीचे है। ड्राइवर साइड से वाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर दिया गया है बट लाइट नहीं है, रीडिंग लाइट है। बैक व्यू मिरर है जो कि नॉर्मल है, ऑटो डिमिंग वाला नहीं है, सादा है। इसके अलावा पैसेंजर साइड से वाइजर के ऊपर भी वैनिटी मिरर दिया गया है। केबिन लाइट है, क्रोम डोर हैंडल है, विंडो अप एंड डाउन हैंडल है, आर्म रेस्ट है, स्टोरेज कंपार्टमेंट और साथ इसके स्पीकर है। रियर सीट्स की अगर बात करें तो ये काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं जो कि तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ हैं, लेकिन इनके दरमियान में आर्म रेस्ट नहीं है। लेग रूम की अगर बात करें तो इस टाइम जो फ्रंट सीट है वो फुल पीछे है और इसका जो लेग रूम है वो काफ़ी डिसेंट है। इसके अलावा इसका गाड़ी का जो फ्लोर है वो फ्लैट नहीं है, एक हम्प है इसमें। गाड़ी में 1200 सीसी का इंजन है जो कि एज अ जनरेटर वर्क करता है और ये गाड़ी टोटली इलेक्ट्रिक मोटर पर चलती है, इसलिए इसका जो 0 to 100 फिगर है वो सिर्फ और सिर्फ 8 सेकेंड है। 8 सेकेंड में ये गाड़ी 0 to 100 कर जाती है। और अगर मैं इसकी फ्यूल एवरेज की बात करूँ तो ये स्पोर्ट्स मोड में 21 से 22 किलोमीटर पर लीटर करती है, जबकि नॉर्मल मोड में 23 से 24 किलोमीटर पर लीटर करती है, जबकि इको मोड में ये 27 से 28 किलोमीटर पर लीटर करती है। और लास्ट पे अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये निसान नोट एक्स एमरजेंसी ब्रेक पैकेज है, 4 ग्रेड की ये गाड़ी है जो कि ऑप्शन शीट के साथ है, 19 मॉडल है और 2022 की ये फ्रेश इंपोर्ट है। प्राइस की बात करें तो 41 लाख इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। और अगर आप इस गाड़ी को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर पहले से नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।